ये बहुत लॉन्ग ट्रिप थी हमारी आज की, एंड अभी भी खत्म नहीं हुई है अभी, तो मजा नहीं आ रहा था। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, आई एम ज़की एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब, होप यू ऑल आर फाइन, एंड आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। एंड आज का मौसम एकदम कुछ अजीब सा ही हो रखा है, क्या बारिश आएगी या सूरज निकलेगा कुछ भी, क्या पता नहीं हमको कि क्या होगा। बट हम आज वापस से निकल पड़े हैं एक और न्यू एडवेंचर के लिए, मतलब निकले नहीं अभी निकलने वाले हैं। एंड आज हम जाएंगे कहाँ वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, अभी बता देंगे तो फिर आपको क्या मज़ा आएगा। सो हमारा वीडियो देखते रहिए और बिना किसी देरी के चलते हैं, चलो। ओके तो हम अभी यहाँ पे एक विलेज में से हम पास हो रहे थे, तो यहाँ पे रोड पे हमने साइड पे गाड़ी रोकी है बिकॉज हम बैठ बैठ के बहुत थक गए, तो सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एंड हमारे साथ है अभी यहाँ पे हमारे हदी भाई, हाय बोल दो। हाय। हाँ, और ये हम पूरा बैग और वाटर वाटर सब लेके ही चलते हैं। एंड अभी तक तो हमने है ना आई थिंक 15 या 20 विलेजों को तो अभी से ही पार कर दिया होगा, और है ना ये गूगल मैप्स है ना कभी कभी हमको गलत बता देता है, इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम रहता है। एंड यहाँ पे ग्रीनरी देखो, ये सिर्फ आप हर तरफ यही है, ग्रीनरी है, कुछ दिखता भी नहीं है। एंड अभी बहुत अच्छी धूप भी निकल चुकी है, एंड हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और हम कहाँ जाएंगे वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ओके तो अभी हम यहाँ पे हम एक वाटरफॉल पाए हैं और यहाँ पे हम आ तो चुके हैं, कौन सा नाम है, बल खेत विलेज में हम आए हैं। और बहुत सारे वो जंगल वाले रास्ते में सारे बहुत डर लग रहा था हमको, तो एक गाड़ी भी नहीं दिख रही थी उधर। एंड यहाँ पर हम आए और अभी यहाँ से हम जाएंगे वाटरफॉल पे, अभी पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, हम पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये देखो ऐसा इधर कुछ लोग भी आए हुए हैं घूमने के लिए, अब देखते हैं। और वो डॉग्स मुझे बहुत देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है ऐसा, तो वीडियो हमारा देखते रहिए और आपको मिलते हैं वहाँ जाके। अभी हम वाटरफॉल से वापस आ गए,
क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज वहाँ पे है ना वाटरफॉल तो छोटा था एंड बहुत ब्यूटीफुल था वाटरफॉल तो, और उसका आवाज़ भी बहुत अच्छा आ रहा था, वाटर भी बहुत ठंडा था, बट यहाँ पे है ना क्राउड बहुत है तो मज़ा नहीं आ रहा था, और इसलिए हमने है ना हम रिटर्न वापस आ गए। इतना क्राउड था कि आपको है ना वहाँ जाके आपको देख के ही आपका तो मूड ख़राब हो जाता है कि अभी यार ये कहाँ आ गए ऐसा। बट वाटरफॉल बहुत ब्यूटीफुल था, अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो, मैं आपको ना नहीं कहूँगा। और ये वाटरफॉल का नाम है बलखेत वाटरफॉल, ओके। तो अब अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो। एंड अभी हम देखते हैं यहाँ से दूसरे एक वाटरफॉल है इधर पे, तो अभी मैप्स ओपन होगा तो हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे, और नहीं जाएंगे तो भी आपको बताएंगे। तो ओके चलो। यस, तो हम वाटरफॉल से वापस आ गए हैं एंड अभी यहाँ पे साइड पे हम रुके हुए हैं, बिकॉज बाइक पे है तो बहुत थक गए इसलिए थोड़ा रुके हुए हैं, फिर यहाँ से जाएंगे घर। और ये बहुत लॉन्ग ट्रिप थी हमारी आज की एंड अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी घर जाना है हमको। तो हम और मैं आपको बताना भूल गया था कि हम डांग में घूम रहे हैं, और डांग पूरा फॉरेस्ट वाला ही एरिया, हर जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है एंड यहाँ पे ना नेटवर्क होता है ना आप किसी को कॉल कर सकते हो। एंड यहाँ के लोग भी फार्मिंग एंड एनिमल्स और टूरिज्म से ही लिविंग उनकी चलती है। एंड यहाँ पे बहुत सारी टूरिज्म प्लेसेस है, सो मैं आपको बोलूँगा कि आप भी यहाँ पे विजिट करो, आपको भी अच्छा लगेगा। एंड कभी कभी हमें लॉन्ग रोड ट्रिप का भी हमें मज़ा लेना चाहिए, ऐसे ही फिर क्या बैठ के क्या करेंगे, घर पे बैठने से अच्छा है तो यहाँ पे ट्रिप आप एक बार एंजॉय करो, रोड ट्रिप, और बाइक पे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड यहाँ पे पूरी फ्रेश एयर है और कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही कोल्ड एयर आ रही है। एंड इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस।